सब्सक्राइब कीजिए अजू एजुकेशन लाइव यूट्यूब चैनल को लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस देखने के लिए। सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए, कर लीजिए ऑल पे क्लिक। आप ज्वाइन भी कर सकते हैं अजू एजुकेशन लाइव यूट्यूब चैनल को। 59 रुपीज़ मंथली देने पड़ेंगे, फिर मिल जाएगी आपको हर क्लासेस की PDF फाइल। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अज्जू एजुकेशन पर। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं 1 दिसंबर 2019 से जुड़े करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। लेकिन उनसे पहले कुछ चंद लाइनें, जिस किसी ने भी लिखी है बहुत ही कमाल की लिखी है कि सपने उन्हीं के सच होते हैं जिनके इरादों में जान होती है। सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से ही असली उड़ान होती है। तो इसी जज्बे के साथ चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो के पहले प्रश्न के साथ। आज के वीडियो का पहला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनाने का कार्य ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल कंपनी को दिया गया है। हमारे सामने ऑप्शन है केरल, राजस्थान, मणिपुर या उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में क्या होगा कि 2023 तक ये जो हवाई अड्डा है जिसका नाम है जयपुर हवाई अड्डा, ये बनकर तैयार हो जाएगा। ये भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है, दुनिया का 5वां सबसे बड़ा हवाई अड्डा होगा। इसे नोएडा इंटरनेशनल ग्रीन फील्ड के नाम से भी जाना जाएगा। इसे बनाने का काम है ना स्विट्जरलैंड की एक कंपनी है ज्यूरिख, उसको दिया गया है। तो अब ये बनेगा कहाँ पर? ये बनेगा उत्तर प्रदेश में। तो ये है भारत के मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ और यहाँ के मुख्यमंत्री है आदित्यनाथ योगी। और गवर्नर की बात करें तो गवर्नर है यहाँ की आनंदीबेन पटेल। तो इस प्रश्न से हमें इतनी जानकारी मिलती है। इसके बाद ध्यान देते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है हमारे सामने कि संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक कौन सा देश विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों का मूल देश है? हमारे सामने ऑप्शन है जापान, चीन, भारत या रूस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी अपना देश भारत। तो संयुक्त राष्ट्र ने जो रिपोर्ट जारी की है उसके अनुसार 1.75 करोड़ की प्रवासी आबादी के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों के मामले में भारत सबसे ऊपर है। तो अगला प्रश्न है हमारे सामने कि भारत और कौन से देश के बीच मानव तस्करी रोकने के लिए द्विपक्षीय जो समझौता है उसके लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है? हमारे सामने ऑप्शन है अमेरिका के साथ, पाकिस्तान के साथ, अफगानिस्तान के साथ या म्यांमार के साथ। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी म्यांमार के साथ। तो ये है संसार के मैप में म्यांमार। तो म्यांमार को इंग्लिश में बर्मा भी कहते हैं और इसकी जो कैपिटल है वो क्या है? नोइपीडा। ठीक है, इसके बाद ध्यान देते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है हमारे सामने कि श्रीलंका के किस स्पिन गेंदबाज को श्रीलंका के उत्तरी तमिल बहुसंख्यक प्रांत का गवर्नर नियुक्त किया गया? हमारे सामने ऑप्शन है अजंता मेंडिस, एंजेलो मैथ्यूज, मुरलीधरन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मुरलीधरन। तो ये है मुथैया मुरलीधरन, जिन्हें श्रीलंका के राष्ट्रपति गोताबाया राजपक्षे ने श्रीलंका के उत्तरी प्रांत का गवर्नर नियुक्त किया गया। इसके बाद ध्यान देते हैं अगले और 5वें प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है हमारे सामने कि इंडियन नेवी ने DRDO के द्वारा बनाई गई कौन सी मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? हमारे सामने ऑप्शन है पृथ्वी फर्स्ट, अग्नि सेकेंड, ब्रह्मोस या PSLV-11। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ब्रह्मोस। तो ये है भारत के जो DRDO है उसके द्वारा बनाई गई ब्रह्मोस मिसाइल, जिसका हाल ही में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। अरब सागर में हुआ इसका सफल परीक्षण। इसके बाद ध्यान देते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है हमारे सामने कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? हमारे सामने ऑप्शन है 30 नवंबर, 1 दिसंबर, 2 दिसंबर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1 दिसंबर। तो आज ही के दिन 1 दिसंबर को विश्व भर में विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। इसको मनाने का उद्देश्य HIV संक्रमण की वजह से होने वाली महामारी एड्स के बारे में जागरूकता फैलाना है। ध्यान देते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है हमारे सामने कि हाल ही में ब्रैड गोब्राइट का निधन हुआ है, वे कौन थे? हमारे सामने ऑप्शन है पत्रकार, अभिनेता, गायक या पर्वतारोही। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी पर्वतारोही। तो ये है ब्रैड गोब्राइट, जो अमेरिका के एक जाने माने पर्वतारोही थे और ये अभी अभी उत्तरी मैक्सिको में सीरी रॉक पर चढ़ते हुए गिरकर इनकी मौत हो गई। इसके बाद ध्यान देते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है हमारे सामने कि हाल ही में भारतीय सेना ने 2 लंबी दूरी की मिसाइल स्पाइक का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया है? हमारे सामने ऑप्शन है राजस्थान, उड़ीसा, मध्य प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी,
यानी मध्य प्रदेश का जो महू जिला है वहाँ पर इस मिसाइल का परीक्षण किया गया है। तो भारतीय सेना ने इजराइल में बनी स्पाइक मिसाइल का सफल परीक्षण थल सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत की देखरेख में संपन्न किया। तो इस मिसाइल से जो क्या है, ये टैंक रोधी मिसाइल है, तो ये टैंक और जो बने होते हैं बंकर उनको भी नष्ट कर सकती है। इसके बाद ध्यान देते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है हमारे सामने कि 2023 में होने वाला पुरुष हॉकी विश्व कप की मेज़बानी कौन करेगा। तो हमारे सामने ऑप्शन है चीन, भारत, स्पेन या रूस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अपना देश भारत ही अब की बार जो 2023 में पुरुष हॉकी विश्व कप होगा उसकी मेज़बानी करेगा। तो ये होगा कहाँ पे, ये होगा उड़ीसा में। इसके बाद ध्यान देते हैं अगले और 10वें प्रश्न पर। तो हमारे सामने 10वां प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य ने अपनी बसों में टिकट के लिए क्रेडिट कार्ड मान्य करने की घोषणा की है। हमारे सामने ऑप्शन है दिल्ली, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश या राजस्थान। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश की बसों में टिकट के लिए होगा अब कैशलेस भुगतान, यानी वहाँ पर क्या होगी, डिजिटल पेमेंट की सुविधा दी जाएगी। डिजिटल पेमेंट के थ्रू ही वहाँ पर टिकटें कटेंगी और उनके लिए जो परिचालकों को है वो कई मशीनें भी बांट दी गई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप सभी को दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने जितने भी व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप है उन सभी में जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं उसी प्रकार से आप सभी को शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा फैला दीजिए इस वीडियो को। तो आप सभी का प्यार इसी प्रकार से बना रहे अज्जू एजुकेशन लाइव यूट्यूब चैनल के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।